वापसी पर साथी ने बताया कि गाड़ी अगले चौराहे पर बाई जानिब मुड़ी है। खावर जानता था कि उस तरफ से कई सड़कें मुख्तलिफ सिमतों को जाती हैं, लिहाजा उसने बड़ी बदहवासी के साथ अगले मोड़ तक का रास्ता तय किया। अब इतना अंधेरा फैल गया था कि ज्यादा फासले से उस गाड़ी की शिनाख्त नहीं हो सकती थी। खावर अंधाधुन स्कूटर दौड़ाता रहा, बिल आखिर वो वैन नजर आ ही गई। ताकुब जारी रहा, फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी बंदरगाह के इलाके में दाखिल होती नजर आई। खावर ने महसूस किया कि गाड़ी की मंजिल मकसूद बंदरगाह नहीं, बल्कि वो उसे उस रास्ते से माहीगिरी के साहिल की तरफ ले जा रहा है। कुछ देर बाद वो उस वीरान सड़क पर आ निकला जिस पर सिर्फ माहीगिरी की कंपनियों से ताल्लुक रखने वाली गाड़ियां गुजरती थी। दफतन वैन की रफ्तार कम हो गई और उसे बाई जाने वाली एक छोटी सी इमारत के सामने रोक दिया गया। खावर अपना स्कूटर आगे बढ़ा ले गया। ठीक 9 बजे शब को ब्लैक जीरो फोन पर कैप्टन खावर की रिपोर्ट सुन रहा था। वो 5 आदमी थे, खावर कह रहा था। नरेश के अलावा अंधेरा होने की वजह से मैं उनकी शक्लें नहीं देख सका। बहरहाल माहीगिरी की घाटी पर पहुंचकर मुझे ये मालूम हुआ था कि वैन में नरेश के अलावा भी कुछ लोग थे। फिर मैंने उन 5 को माहीगिरी के एक बड़े लॉन्च पर सवार होते देखा। मेरे देखते ही देखते लॉन्च ने घाट को छोड़ भी दिया था। फिर नरेश तन्हा वापस हुआ था और गाड़ी को ग्रीन स्क्वायर की उसी इमारत के सामने छोड़कर खुद जिस तरह आया था उसी तरह अपनी झोपड़ी में वापस चला गया। लॉन्च पर बैठने वालों की तादाद के बारे में तुम्हें यकीन है? ब्लैक जीरो ने एक्स2 की सी भर्राई हुई आवाज में पूछा। जी हाँ, वो 5 थे, मुझे यकीन है। और वो वैन अब कहाँ है? मैंने तो उसे उसी इमारत के सामने देखा था और फिर नरेश के पीछे चल पड़ा था, लेकिन उससे पहले मैंने लेफ्टिनेंट सिद्दीकी को समझा दिया था कि वो उस वैन पर खास तौर पर नजर रखे। उसकी जरूरत यूं पेश आई थी कि वो इमारत के बाहर सड़क पर ही छोड़ दी गई थी। ठीक है, अब आराम करो। शुक्रिया जनाब। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकता होने की आवाज आई। ब्लैक जीरो रिसीवर रखकर बजरिया ट्रांसमीटर इमरान से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। 15 या 20 मिनट बाद कामयाबी हुई और खावर की रिपोर्ट के इख्तिताम पर इमरान की आवाज आई। 5 बाकी बचे थे, वो भी गए हाथ से। मैं नहीं समझा जनाब, ब्लैक जीरो बोला। क्या करोगे समझकर? पता नहीं वो लॉन्च किधर गई हो, किसकी हो। मेरा ख्याल है कि वो रूपी मिल फिशरीज ही की हो सकती है, क्योंकि घाट पर पहुंचने से पहले नरेश ने वैन रूपी मिल फिशरीज के सर्दखाने के पास रोकी थी और खुद उतरकर इमारत में गया था। ये खबर अच्छी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब मुझे उस वैन के मुतालिक भी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट सिद्दीकी से मिलेगी, खावर ने उसे उसकी तरफ खास तौर पर मुतवज्जे किया था। बहरहाल काम मेरी पसंद के मुताबिक नहीं हो रहा, मुझे अफसोस है जनाब। उन 8 में से सिर्फ एक हमारे हाथ लगा है और वो भी इस स्टेज पर हमारे लिए कतई बेकार है। उस इमारत में अब कोई भी ना होगा। सफदर का स्कूटर कंपाउंड में अब भी मौजूद है। सफदर से कहो कि वो अपना स्कूटर हासिल करने के लिए कल गल रोड से जरूर मिले। उसके बाद भी अगर वो उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करे तो इनकार ना किया जाए। अब सिर्फ वही रह गई है। बहुत बेहतर जनाब, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने स्विच ऑफ करके तवील सांस ली। 11 बजे सिद्दीकी ने रिपोर्ट दी कि एक गाड़ी उस वैन के करीब आकर रुकी थी। उस पर से एक आदमी उतरकर वैन का इंजन देखने लगा था और गाड़ी चल गई थी। इंजन में शायद कोई खराबी वाकई हो जाने की वजह से वो आदमी आधे घंटे तक काम करता रहा था। उसके बाद वो उसे स्टार्ट करके विक्टोरिया लाइन की कोठी नंबर 42 तक ले गया था और फिर वो वैन इमारत से बाहर नहीं आई थी। ब्लैक जीरो ने इसकी इत्तला इमरान को दी। ये भी बड़ी अच्छी खबर है, इमरान ने दूसरी जानिब से कहा। जानते हो 42 विक्टोरिया लाइन में कौन रहता है? नहीं जनाब, रूपी मिल। ओ, तब तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो रूपी मिल फिशरीज की लॉन्च रही होगी, लेकिन उन लोगों से कुछ उगलवा लेना आसान ना होगा। खैर, तो तुमने सफदर तक मेरी हिदायत पहुंचा दी है या नहीं? अभी उसे भी देखता हूँ जनाब। डेविड का क्या हाल है? ज्यादातर खामोश रहता है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से आवाज आई, ब्लैक जीरो ने स्विच ऑफ कर दिया। राफिया सुमोनाफ बुरी तरह थक गई थी। शाम को होटल आने पर सिद्दीकी को अपना मुंतजर पाया था। सख्त कुफत हुई थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, वादा करना पड़ा था वो उसके साथ वैरायटी शो देखने जाएगी। लेकिन वैरायटी शो हद दर्जे बोर साबित हुआ था। बोरियत की असल वजह यह थी कि राफिया उर्दू नहीं समझ सकती थी, लिहाजा
ज़हनी थकन के साथ ही जिस्मानी थकन का एहसास लाजमी था। 10 बजे होटल वापस आई थी, सिद्दी के साथ आया था और गालिबन मुतवक्का था कि वो उससे अपने कमरे तक चलने के लिए कहेगी, लेकिन राफिया मजीद बोरियत मोल लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अखलाकन भी उससे कुछ देर ठहर कर चाय वगैरह पीने को ना कहा। सचमुच वो इतनी थकन महसूस कर रही थी कि तीसरी मंजिल तक पहुंचना दो बार हो गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अजीब तरह की आवाजें सुनाई थी, रुक गई। ऐसा लगता था जैसे कोई फूट फूट कर रो रहा हो। आवाज करीब ही के एक कमरे से आती मालूम हो रही थी। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। अब उसे याद आया कि ये तो उसी नौजवान का कमरा है जो आज सुबह जीनों से लुढ़कता हुआ दूसरी मंजिल पर जा गिरा था। वो गैर इरादी तौर पर उस कमरे की तरफ बढ़ गई। खुले हुए दरवाजे के सामने रुककर उसने देखा, वो मेज पर सर औंधाए बा आवाज बुलंद रोए जा रहा था, कुछ दरवाजे की तरफ थी। राफिया सोचने लगी उसे क्या करना चाहिए। दफतन वो खुद ही खामोश होकर कुर्सी से उठ गया, दरवाजे की तरफ मुड़ा और राफिया पर नजर पड़ते ही जहां था वहीं रह गया। राफिया ने महसूस किया कि वो कुछ बदहवास सा हो गया। तुम्हारी चोट अब कैसी है, राफिया ने पूछा। ठीक है शुक्रिया, वो हकलाया। तुम रो क्यों रहे थे। रो रहा था, उसने हैरत से कहा, जल्दी जल्दी पलकें झपकाई फिर झेपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, जी नहीं मैं तो गा रहा था। ओ माफ करना, कदीम यूनान की देवी ज़ोहरा का भजन था, क्या सचमुच उसकी ले रोने से मुशाहबत रखती है। बहुत ज्यादा, राफिया मुस्कुराई। दरअसल मैं अपने घुटनों की तकलीफ का एहसास कम करने के लिए गाने लगा था। आप एक बहुत ही रहमदिल खातून हैं, लेकिन मुझे आपकी सूरत साफ दिखाई नहीं देती। क्यों, मेरी ऐनक पर गुम हो गई। गालिबन आपको वो दूसरी मंजिल पर मिली थी और आपने उसे उठा लिया था। जी हाँ। ओ माफ कीजिएगा, मैंने आपसे अंदर आने को भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, राफिया ने गैर इरादी तौर पर कमरे में दाखिल होते हुए कहा, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए नेकदिल खातून। मैं दरअसल इस दुनिया या इस सदी का आदमी नहीं रह गया। कदीम यूनान के इश्क ने मुझे कहीं का ना रखा, अब मैं अपने घर में भी नहीं रह सकता। वो समझते हैं कि शायद मैं पागल हो गया हूँ या मुझ पर किसी जिन का साया हो गया। अब यही देखिए कि इस वक्त भी धोखा खा गई, मैं भजन गा रहा था, आप समझिए कि शायद रो रहा हूँ। मुझे नदामत है अपनी गलतफहमी पर। आपको नदामत ना होनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी ही की बिना पर दुनिया एटमी अहद तक आ पहुंची है। चांद पर जहाँ पहुँचना आदमियत की मेराज करार पाया है, हालांकि आदमियत की मेराज सिर्फ बांटकर खाने में मुजमर है। ओ तो तुम कम्युनिस्ट हो। नहीं मैं जाम्पलिस्ट हूँ। ये क्या बला है, जाम्पलिज्म ही सिसकती हुई इंसानियत का वाहिद इलाज है। मैंने इस अजम का नाम पहले कभी नहीं सुना। आधे तीतर और आधे बटेर को जाम्पलिज्म कहते हैं। गालिबन इसी बिना पर तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। नहीं वो दूसरा मामला है, मेरे घर वाले इसे पसंद नहीं करते कि वहाँ रूहों की यलगार हो। मैं नहीं समझी, मुझसे रूहे गुफ्तगु करती हैं। और यहाँ भी वही चक्कर, राफिया आहिस्ता से बड़बड़ाई। क्या फरमाया। कुछ नहीं, आप शायद गलत समझी हैं। नौजवान का लहजा ना खुशगवार था। मैं क्यों गलत समझूंगी जबकि खुद मुझसे कदीम मिस्र की एक रूह गुफ्तगु करती है। खूब, नौजवान के लहजे में बेएतबारी थी। वो रूह आम अजसाम में मेरी हम शक्ल थी। बहुत खूब, तुम गलत समझ रहे हो, राफिया झुंझला गई। बात नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई थी, बेचूं वो चरा तस्लीम किए लेता हूँ। ओहो इस बिना पर तस्लीम कर रहे हो, अच्छा तो फिर मैं भी तुम्हें झूठा समझती हूँ। तुम मुझे मरऊब करने की कोशिश कर रहे हो। मैं सबूत पेश कर सकता हूँ, तुम कोई सबूत पेश नहीं कर सकोगी। क्या सबूत पेश करोगे, राफिया को ताव आ गया। अभी कुछ देर पहले मैं जो भजन गा रहा था तुम्हें सहरा के मब्द की पुजारिनों की आवाज में सुनवा सकता हूँ। राफिया हंस पड़ी और वो आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने लगा। क्यों, राफिया यक बयक बौखला गई। डरो नहीं, वो नर्म लहजे में बोला, तुम मुझे केचुए की तरह बेजरर पाओगी। मैं कमरे में अंधेरा करने जा रहा हूँ, साथ ही अंधेरा हो भी गया। उसने रोशनी का स्विच ऑफ कर दिया था। राफिया की गुग्गी बन गई, फिर जबान से एक लफ्ज भी अदा ना हो सका। नौजवान अजीब से लहजे में कुछ बड़बड़ा रहा था। सर्द सी एक लहर राफिया की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, फिर अजीब किस्म के साज मध्यम सुरों में गूंजने लगे। आवाज चारों तरफ से आती मालूम हुई थी, जैसे अंधेरा मौसीकी की लहरों में तब्दील हो गया हो। उसके बाद गाने वालियों की आवाजें उभरी
लय वही थी जिसे कुछ देर कबल वो रोने से ताबीर कर चुकी थी। लेकिन इन आवाजों में इतनी मिठास थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन मौसीकी के इस उमड़ते हुए समंदर में इस तरह डूबता चला गया कि फिर एहसास ही ना रहा कि वो कुछ देर पहले गायब थी। दफतन इन्हीं आवाजों के दरमियान एक मर्दाना आवाज उभरी। तुम एक फरेब खुर्दा हस्ती हो राफिया सुमुनाफ, ऑटो विलानी फ्रॉड है। अगर तुम उसकी रूहानी कुवतों की कायल हो तो इस वाकये के बारे में जरूर इस्तफसार करना। अगर उसका राबता कदीम रूहों से है तो ये लम्हात उस पर जरूर अजहर मनुष्य शम्स होंगे। तुम देखना कि वो इसके बारे में तुमसे क्या कहता है। फिर अचानक न सिर्फ सन्नाटा तारी हो गया बल्कि कमरे में रोशनी भी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे अचानक कोई लहर इन आवाजों को समाज की दस तरस से दूर बहा ले गई हो। नौजवान सामने खड़ा अहमकाना अंदाज में पलके झपका रहा था। राफिया ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन ना तो होठों ने जंबिश की और ना अल्फाज ही मिल सके। क्या ख्याल है, नौजवान भर्राई हुई आवाज में बोला। तुमने मेरे निजी मामला के बारे में कुछ कहा था। मैंने, वो मुतहराना लहजे में बोला, नहीं तो मैंने तो अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। और फिर मेरा ख्याल है कि मैंने भजन के अलावा और किसी किस्म की आवाज नहीं सुनी थी। वो किसी मर्द की आवाज थी, वहम है तुम्हारा, ऐसी कोई आवाज मैंने नहीं सुनी। राफिया के चेहरे पर पसीने की नन्नी नन्नी बूंदे फूट आई थी। बदिक्कत तमाम वो वैनिटी बैग से रुमाल निकाल सकी। नौजवान पहले ही की तरह चुंधियाए हुए अंदाज में पलके झपकाता रहा। राफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना या कहना चाहिए। दफतन अस्तरारी तौर पर उसने झपट कर दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। मर्दाना आवाज का कहा हुआ एक एक लफ्ज उसके कानों में गूंज रहा था। पता नहीं किस तरह उसने अपने कमरे के दरवाजे के कुफल में कुंजी लगाई थी। दूसरी सुबह टेलीफोन की घंटी ही ने उसे बेदार किया था और उसका जी चाहा कि इंस्ट्रूमेंट को फर्श पर उस वक्त तक पटकती रहे जब तक कि वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। आंखें इस तरह जल रही थी जैसे किसी ने मुट्ठी भर नमक उनमें झोंक दिया हो। रिसीवर उठाकर झुल्लाई हुई नंदासी आवाज में हेलो कही। मैं सिद्दीकी हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वो उबल पड़ी। मिस्टर सिद्दीकी, आपका फोन नंबर मेरे पास महफूज है, जब भी प्रोफेसर ने आपको वक्त दिया मुतला करूंगी। इसके लिए जाती तौर पर मजीद मुलाकातें चंदा जरूरी नहीं। फिर उसने जवाब का इंतजार किए बगैर खटाक से रिसीवर के रिडल पर दे मारा और चादर खींच कर दोबारा लेट गई। कानों में सीटियां सी बज गई थी, कनपट्टियां इस बुरी तरह चटक रही थी जैसे सर में मगज के बजाय शीशे का डला रखा हुआ हो। पिछली रात 3 बजे से पहले नहीं सो सकी थी। इस वक्त भी आंख खुलते ही वही पुर इसरार आवाज फिर कानों में गूंजने लगी थी। तुम फरेब खोरदा हो, प्रोफेसर विलानी फ्रॉड है। ये नौजवान आखिर कौन है? अजीब सी आंखें हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे जहन और जिस्म में कोई लगाव ही ना हो। क्या ये महज इत्तेफाक था कि उससे इस तरह मुलाकात हो गई? और विलानी के बारे में तो वो उसी वक्त से शुबे में मुब्तला हो गई थी जब बिच्छू और जोसेफ वाला वाकया सामने आया था। क्या ऑटो विलानी सचमुच फ्रॉड है? अगर है तो खुद उसकी क्या पोजीशन है, वो उससे क्या चाहता है और उसके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ है या किया जा रहा है? लेकिन वो रूह जो उससे सरगोशियां करती थी, हनुशुदा लाश की कद आदम तस्वीर जो खुद उससे मुशाबहत रखती थी, ये सब क्या था? अगर ये सब फ्रॉड ही था तो उसका मकसद क्या हो सकता था? वो दोनों हाथों से अपनी कनपट्टियां थपकने लगी। क्या उसे इस पुर इसरार नौजवान से फिर मिलना चाहिए? लेकिन उसने तो वो आवाज सुनी ही नहीं थी। उसके बयान के मुताबिक उसने तो भजन के अलावा और कुछ भी नहीं सुना था। वो कोशिश करती रही कि उसे दोबारा नींद आ जाए लेकिन ऐसा हो ना सका। बिल आखिर उठना ही पड़ा। वो उस नौजवान से फिर मिलना चाहती थी मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। उसका कमरा मकफल था। फिर कुछ देर बाद ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ा था। ऑटो विलानी बहुत अच्छे मूड में नजर आया। तुमने तो कमाल कर दिया बेबी, वो उसे देखकर आगे बढ़ता हुआ बोला। मैं नहीं समझी प्रोफेसर, राफिया का लहजा बेहद खुश्क था। सिद्दीकी के साथ तुम्हारा बर्ताव बहुत मुनासिब रहा। रात के बर्ताव के बारे में कह रहे हैं या सुबह वाले बर्ताव के बारे में? सुबह वाला बर्ताव मैं नहीं समझा। हाँ, सुबह मैंने फोन पर उसे डांट दिया था। चचा, ये क्या किया तुमने? लेकिन क्यों? मुझे 3 बजे से पहले नींद नहीं आई थी, सुबह ही सुबह फोन की घंटी ने जगा दिया।
मैंने उससे कहा कि वो मुझे खौमा का बोर न करे।